माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नवीन परिसर माखनपुरम पिसनखेड़ी में पत्रकारों के लिए डिजिटल मीडिया पर कौशल उन्नयन कार्यशाला का आयोजन किया गया। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। इस एक दिवसीय कार्यशाला की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश ने की। विक्रमशिला स्थित स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित इस कार्यशाला में छिंदवाड़ा, पांडुरणा, सिवनी एवं बालाघाट जिलों के लगभग 70 पत्रकारों मीडिया कर्मियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता मीडिया संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गया प्रसाद सोनी, कुल सचिव प्रोफेसर डॉक्टर अविनाश वाजपेयी सोनी, अकादमिक प्रोफेसर डॉक्टर पी शशिकला, प्रभारी निदेशक प्रशिक्षण डॉक्टर जया सुरजानी, विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अनीता सोनी, श्री बाबू बाग, जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर अरुण खोबरे एवं अन्य संकाय सदस्य विशेष रूप से उपस्थित थे। अध्यक्षीय उद्बोधन में कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश ने कहा कि सशक्त लोकतंत्र के लिए जागरूक पत्रकार अनिवार्य हैं। उन्होंने कहा कि जब पत्रकार मजबूत होगा तो लोकतंत्र मजबूत होता है। प्रोफेसर सुरेश ने कहा कि आज भी मैं अपने आप को मीडिया का एक विद्यार्थी मानता हूं और रोज सीखता हूं। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वे विद्यार्थी भाव से सीखने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि पारंपरिक पत्रकारिता एवं वर्तमान पत्रकारिता में काफी बदलाव आ गए हैं। आज मोजो मोबाइल जर्नलिज्म, ड्रोन पत्रकारिता के साथ ही एआई जैसी नई तकनीकें आ गई हैं, जिसने मीडिया को बहुत बदल दिया है। प्रोफेसर सुरेश ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन ने पत्रकारिता विश्वविद्यालय को पत्रकारों के प्रशिक्षण का दायित्व सौंपा है। मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार एवं मीडिया संगठन मध्य प्रदेश के गया प्रसाद सोनी ने कहा कि वे और उनके पत्रकार मित्र पत्रकारिता के साथ ही सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। साथ ही उनके क्षेत्र के पत्रकारों के लिए आयोजित कार्यशाला के लिए उन्होंने कुलपति प्रोफेसर सुरेश का आभार जताया। एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन कुलसचिव प्रोफेसर डॉक्टर अविनाश वाजपेयी ने किया है, वहीं समापन कुलपति डॉक्टर केजी सुरेश द्वारा किया गया। तकनीकी सत्रों में विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर पी शशिकला, डॉक्टर अनीता सोनी, श्री बापू बाग ने पत्रकारों को विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। समापन सत्र में कार्यशाला में उपस्थित सभी पत्रकारों को कुलपति प्रोफेसर सुरेश ने प्रमाण पत्र प्रदान किए। कार्यशाला का संचालन अतिथि अध्यापक सुश्री अंकिता त्रिपाठी ने एवं प्रभारी निदेशक प्रशिक्षण डॉक्टर जया सुरजानी ने आभार व्यक्त किया। कार्यशाला रखी गई थी, पत्रकारों को प्रशिक्षण दिया गया, क्या फायदे मिलेंगे पत्रकारों के? जी देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल एशिया का पहला और देश का सबसे बड़ा मीडिया विश्वविद्यालय है। हम लोग मीडिया शिक्षा तो विद्यार्थियों को देते ही हैं, लेकिन साथ ही हम समझते हैं कि ये बहुत आवश्यक है कि हमारे जो ग्रामीण अंचलों में हमारे जो जिला स्तर पर जो पत्रकार कार्यरत हैं उनको मीडिया के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या विकास हो रहा है, तकनीकी विकास हो रहा है, उससे अवगत कराएं, उनको प्रशिक्षित करें ताकि वे अच्छा कंटेंट नए तकनीक के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सके। इसलिए उनको तकनीक का जो है पहचान होना जरूरी है और हम समझते हैं कि हमारा दायित्व है। ये विश्वविद्यालय मात्र विद्यार्थियों का नहीं है, ये इस प्रदेश के सभी पत्रकारों का भी अपना विश्वविद्यालय है। जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में कहा था कि जैसे सीएमई होती है जी, वैसे पत्रकारों के लिए सीएमई होना चाहिए। जी बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि जैसे डॉक्टर लगातार अपने आप को दुनिया भर में क्या बदलाव आ रहे हैं मेडिकल साइंस में इसको समझने का प्रयास करते हैं, लगातार उनके सीएमई प्रोग्राम होते हैं, वो सीखते रहते हैं। हमारे पत्रकार एक बार कॉलेज से निकल जाता है तो उसको लगता है कि अब हमें और सीखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने आप को लगातार अगर हम अपडेट करते रहेंगे, अपस्किल करते रहेंगे तो फिर हमारे बीच में कभी बेरोजगारी नहीं होगी। उसका एक कारण है कि हम जो सीनियर होते जाते हैं तो हम लोग जो है टेक्नोलॉजी के मामले में पिछड़ जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हमारे सभी पत्रकार जो है वो प्रौद्योगिकी को समझे और उसी उद्देश्य से कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन की तरह कंटिन्यूइंग मीडिया एजुकेशन सीएमई ये हमने तय किया है। और इसके अंतर्गत न सिर्फ हम भोपाल में कार्यक्रम आयोजित करेंगे, हमने दैनिक भास्कर के साथ हमने रीवा में आयोजित किया था और इसी प्रकार जो है आने वाले दिनों में हम जहाँ जहाँ हमारे परिसर है वहाँ वहाँ आयोजित करेंगे
और अगर पत्रकार संगठनों ने अगर हमसे आग्रह किया तो हम उधर जाकर भी उनको प्रशिक्षित करने के लिए तैयार हैं। माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी ने क्या रूपरेखा इसके लिए तैयार की रखी है? देखिए माखनलाल यूनिवर्सिटी में मैंने जैसे कहा, जैसे जैसे ऐसे गुजारिश पत्रकार संगठनों से आती है तो उनके लिए हम अपने यहाँ, हमारे पास अब अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, हमारा हॉस्टल है, हमारा स्टूडियो है, हमारा रेडियो स्टेशन है, हम अपने यहाँ जो है ये पाठ्यक्रम हम संचालित कर सकते हैं। वे लोग आकर हमारे ट्रांजिट गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं और दो या तीन दिन का या एक दिन का हम लोग उनके लिए प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करने के लिए तैयार हैं। सर आपका पूरा नाम कौन सा है? मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश, कुलगुरु माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल। थैंक यू सर, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।